भाईजान हम लेके आए हैं 2 लाख करोड़ का। 2 लाख करोड़ का बट मेरा ये वाला आपको लगता है आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? बस मैं खुद एक आलिम साहब से पूछना था कि बस मैं एक्सेप्ट कर लेगी मुझे सोसाइटी की नहीं करेगी। ट्विटर स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब कुछ फुल, सब पे स्टेटस लगा दी है। तो आपने इसका स्टेटस तो लगाया नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगा आपने इतना प्यारा ऊंट किया? नहीं, हम स्टेटस नहीं लगाते। 150 मन बकरा ही वो एवं लेके, मैंने कहा कि इतना भारी बकरा है इसको ट्रक पे लेकर आए, बड़ी मुश्किल से इसको लाते हैं। आपको पता है स्टेटस तो टिकटॉक्स बनी है यहाँ पे आके, आप यकीन करें ट्रक यहाँ से लदा है, बच्चे भागते हैं टिकटॉक बनानी है टिकटॉक बनाए। मेन मकसद यही था एफिशिएंसी। बाबा जी कोई कह रहा जी असी फलाने दा बकरा लेके आए, फलाने ऊंट लेके आए, तो असी ना दसिया इसी वेड़ा लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ माशवा प्रोडक्शंस। जैसा कि ईद कुर्बान करीब करीब है तो हर बंदा इस वक्त खरीदारी में मसरूफ है और हर बंदा जो है वो घर के बाहर अपने जानवर बांधे हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं उनकी और उनको मुख्तलिफ खुराकें खिलाई जा रही हैं। तो ऐसे में मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ जो आज की वीडियो का सवाल है कि क्या अगर आप स्टेटस नहीं लगाएंगे फेसबुक के ऊपर अपने जानवर का तो आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी या नहीं कबूल होगी? तो यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाँ जी उन्होंने ये जानवर के दिए। सर भाईजान जानवर सारे आपके हैं? जी 1 2 3 4 5 6 7 है बट मेरा ये वाला है। आपका ये 7 ये आपके नहीं है, ये सारे आपका ये वाला है? ये वाला। अच्छा तो ये जानवर आपने कितने का लिया? ये बड़ा अच्छा मिल गया। अच्छा जी कितने का लेके? 60,000 रुपये का। ये जानवर 60,000 रुपये का लेके? सस्ता मिल गया मुझे तो 60,000 रुपये का। 60,000 का ये सस्ता मिल गया आपको जी? ये इसका आपने ये जो है वो क्या खातर किया अभी तक इसको आप लेके आए? इसको मैंने जवी खिलाई है अभी तक। जवी खिलाई है? ये बहुत शौक से खाता है जवी। अच्छा जी आपने स्टेटस लगाया फेसबुक के ऊपर? जाहिर सी बात है एक साल बाद बड़ी ईद आई और मैं स्टेटस ना लगाऊं, इसका भी लगा दूं। साथ वाले का भी आप लगाना चाह रहे हैं? तो ये अगर आप स्टेटस ना लगाते तो क्या आपकी कुर्बानी कबूल हो जानी थी? जी उसके बगैर भी कबूल हो जानी थी लेकिन वो बोटियां खाने का मजा नहीं ना आना था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान बकरा लेके आए आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने का लिया आप? ये 23,000 रुपये का। ये कहाँ से मिल गया आपको 23,000 रुपये का? ये मैंने लिया शाहपुर कांजरा मंडी से। अच्छा तो मैंने ले लिया था तकरीबन कोई 8-9 जुलाई को। सही। फिर एक दोस्त के फार्म पे रखवा दिया था पलाई वगैरह के लिए साथ ही, तो वहाँ पे तकरीबन मुझे कॉस्ट पड़ गई थी 1800-2000। मतलब कुल मिला के मुझे बकरा पड़ गया कोई तकरीबन 24-25,000 रुपए का। बहुत आला रह गया फिर भी। क्या खातिर करते हैं आप इसकी? खातिर इसकी यही है कि भाई पूरी हमने 15 लाख रुपए की गाड़ी इसके लिए वक्फ कर दी हमने। अच्छा। कि भाई आज पूरी गाड़ी हम इसके लिए 2-3 दिन यहाँ से इसके लिए खाना वगैरह सब यहीं से जाएगा। बहुत आपने स्टेटस लगाया अपना फेसबुक पे? नहीं फिलहाल तो कोई स्टेटस नहीं लगाया, वो बस पिछले 2 सालों से नहीं लगाया। आपने स्टेटस नहीं लगाया? बस बड़े हो गए अब। आपको लगता है आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? बस मैं खुद एक आलिम साहब से पूछना था कि बस मैं एक्सेप्ट कर लेगी मुझे सोसाइटी की नहीं करेगी। जानवर आपका है? हाँ जी जी बिल्कुल। यार ये कितने का लेके आए हैं? ये 92 का लेके आए हैं, वर्ल्ड कप का। 92,000 का लिया आपने? कहाँ से लेके आए? ये NFC मंडी से। अच्छा तो इसकी क्या खिदमत खातिर क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं? बहुत ये तो खीरे दूध ये तो खाती रहती है सुबह से शाम तक। अच्छा जी बहुत नाज रख रही है? बहुत ही। देखिए अभी भी भूख लग गई फिर से। भूख का बता रही है? जी जी। आपको इसकी लैंग्वेज भी समझ आ जाती है? बस अब 2 दिन हो गए, 2 दिन समझ आ गई है। प्यार मोहब्बत काफी बढ़ गया। तो जब इसको कुर्बान करेंगे आपको अफसोस तो नहीं होगा? नहीं उसके पास बीफ आएगा तो अच्छा, तो बीफ आएगा फिर सारा सेट हो जाएगा। इसका स्टेटस लगाया आपने? स्टेटस स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब कुछ फुल, सब पे स्टेटस लगा दी है। गाय लेके आए हैं। आपको लगता है स्टेटस अगर आप ना लगाएं तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल आजकल इस तरह हो सकता है अब तो। अच्छा स्टेटस लगाना लाजमी है? लाजमी हो गया उसके बगैर अल्लाह मियां कुर्बानी कबूल तो कुछ भी नहीं होता आजकल। कुर्बानी दूर की बात। भाईजान अभी लेकर आए? जी रात को लेकर आए, कल रात लेकर आए थे। भाईजान क्या नाम है इसका? शेर पंजाब। कितने का लेके आए शेर पंजाब? ये हम लेके आए 2 लाख का। 2 लाख का मिला? हाँ जी। वेरी नाइस। क्या खातिर वगैरह करते हैं, कैसे खिदमत करते हैं इसकी? ये हमारा 7 गांव है,
हम हमारे पास भैंसें भी हैं, उसके साथ रखा हुआ है और सब कुछ चारा वगैरह इसको डालते हैं। ये चारा कम खाता है और बाई क्या चीज़ खाता है शौक से? शौक से ये दरख्त वगैरह और ऊपर से चीज़ें खाता है और इसको सैर कराने के लिए ये इधर घूमता है। और ये घुमाने लेने आए, लेके आए हुए हैं इसको। तो इसके साथ अटैचमेंट नहीं कोई बिल्ट हुई अभी? आप जब इसको कुर्बान करेंगे आपको अफसोस नहीं होगा? अफसोस तो जारी बात होगा, सारी बात होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अच्छा आपने स्टेटस लगाया फेसबुक पे इसका? जी इंस्टाग्राम पे? नहीं नहीं अभी नहीं लगाया। नहीं आपको लगता है कि वो स्टेटस लगाए बगैर कुर्बानी कबूल हो जाएगी? नहीं नहीं ये तो नहीं है। वाले अक्सर लगाते हैं, जितनी देर स्टेटस ना लगाएं उनकी यही बात है। वो तो लेके आना तो स्टेटस लगाना उन्होंने। वही ना, तो क्यों ये लोग दुनिया स्टेटस लगाती है? ये जैसे हमारे पास गाँव है, हमारे पास भैंसें हैं अपनी, लेकिन हमें कोई इतना है नहीं इनका, लेकिन इसलिए हम ऊन लेके आए हैं कि हमें भी थोड़ा सा शौक हो। सही। जैसे ये हैं, ये डिया वाले लेके आए हैं बकरे छतरे, सुबह 5 बजे मैंने देखा है उठ के बैठे होते हैं। ऐसे आज मैं भी 4 बजे उठ गया था। आगे हम वैड़ा करते हैं, जिस टाइम मर्जी उठ जाए कोई मसला नहीं होता। सही है। आज मैं भी 4 बजे का उठा हूँ, अभी तक नहीं सोया। जैसे ये सारे डिया वाले बैठे हुए हैं अपने अपने, सुबह 4 बजे के उठे, इसको घुमा रहे हैं आप? हाँ। शौक से बस लेके घूम रहे फिर। तो आपने इसका स्टेटस तो लगाया नहीं, दुनिया को कैसे पता चलेगा आपने इतना प्यारा ऊँट लिया? नहीं हम स्टेटस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? हम ऐसे नहीं, जैसे ये आप आपको लगता है स्टेटस लगाए बगैर भी अल्लाह कुर्बानी कबूल कर लेगा? नहीं हमें तो, हम तो गांव वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। यार ये बकरा आपका है? हाँ जी। कितने का लेके आए हो? ये 40,000 का मिला। 40,000 का? 40,000 का कहाँ से ले आए? ये बकरा मंडी से लाए। बकरा मंडी से लेके आए? कब लेके आए आप ये? पहले का लिया हुआ था वो, अभी हम घर लेके आए, मैंने रखवाया हुआ था वहाँ पे। सही है। तो क्या इसकी खातिर वगैरह क्या करते, क्या खिलाते पिलाते हैं? खिलाया तो चारा रखा हुआ है, खा रहा है, वहाँ में जो दरख्त है आगे पत्ते पत्ते खाता है। वो आपके भी लेके जाते हैं? हाँ भागता है। अटैचमेंट होगी इसके साथ थोड़ी सी? अभी अभी है, लेकिन जब ये कुर्बान हो जाएगा आपको दुख होगा? हाँ जी बड़ा दुख होगा। कैसे गुजरेंगे फिर देर दादा आपके उसके बाद? फिर बस वो फिर सैड डेज हो जाएंगे। नया बकरा ले आएंगे फिर? नहीं नहीं नया नहीं लाना। अच्छा स्टेटस लगाया आपने सोशल मीडिया पे इसका? नहीं यार आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, आपने अब तक स्टेटस ही नहीं लगाया। यही तो मैं इसलिए नहीं लगाई है, नज़र लग जाती है। नज़र लग जाती है? नहीं तो आपको लगता है कि जो है वो जिस तरह लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ले आए हैं बकरा और या मतलब पिक्चर लगाते हैं स्टेटस पे, आपने नहीं लगाया? आपको नहीं लगता कि उसके बगैर कुर्बानी इसकी होगी? पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते। अच्छा पहले लगाते थे, अभी आपको लगता है कि जो है ना वो ये इसका स्टेटस लगाए बगैर इसकी कुर्बानी हो जाएगी? हो जाएगी। इसको तो मेरा खमाइक मेरा पसंद आ गया काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। भाई ये बकरा आप लेकर आए हैं ये? हाँ जी ये हम गए थे मंडी कल। अच्छा। तो मैंने डैडी जी से कहा था कि ये बहुत भारी बकरा है, इसके लिए ना कोई ट्रक लेकर जाएं। हम ऐवी छोटी गाड़ी ले गए मेरान, उसमें बड़ी मुश्किल से आया है ये। है आप पूरा आ गया था इसके अंदर? 150 मन बकरा है ये। अच्छा जी 150 मन का? ये आप कितने का लेके हैं? ये हमें कोई 2.5 करोड़ का पड़ा है। 2.5 करोड़? बस 2.5 करोड़। मैंने कहा कि ठीक है ये 2.5 करोड़ ठीक है इसका, इतना हल्का भी नहीं। आप एक्सपेंसिव नहीं है ये? नहीं नहीं ठीक है, आप देखें तो सही, डायमंड लगता नहीं है। हाँ वैसे है तो सही। हाँ देखिए खा भी रहा है वो। नहीं इसको आप किस पे लेके आए थे, स्कूटी पे लेके आए थे? इस पे नहीं नहीं इस पे तो नहीं, उधर किसने रखा ये असल में ना ट्रक हमारे यहाँ चलते हैं ना, वहाँ से हम ट्रक पे लाद के लाए थे इसको। अच्छा। तो मैंने कहा था कि एमी मेहरान लेके, मेहरान हमारी वो खड़ी है तो वो एमी लेके, मैंने कहा कि इतना भारी बकरा है इसको ट्रक पे लेकर आए, बड़ी मुश्किल से इसको लाते हैं। आपको पता है ये कैसे चढ़ाया आपने ट्रक के ऊपर? ये 3-4 ना पहलवान लगे हैं इसको चढ़ाने वक्त, उन्होंने उठा, उन्होंने इसको रस्सी पीछे से डाली है, आगे से फिर मैंने पकड़ा है, वो खींचा है ये ऊपर आ गया। इसकी क्या खिदमत क्या करते हैं आप? इसको खोए खजूर के शेक देते हैं। अच्छा। ठीक है, बादाम और साथ हम इसको सरदाई पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाते। अच्छा। सरदाई पीता है ये। सही है। हाँ। तो इसके क्या नाज रख रहे हैं आपको, जब ये कुर्बान हो जाएगा तो फिर आपको तकलीफ? बस अब दुख तो होता है, जानवर होता है, लेकिन कुर्बानी भी तो करनी है। अटैचमेंट हुई है? अटैचमेंट बहुत है, दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा है इसको कुर्बानी करने का। अच्छा। लेकिन अब करनी तो बनती है, अब इतना 2.5 मन गोश्त भी तो खाना इसका। अच्छा तो आपने स्टेटस लगाया कोई सोशल मीडिया पे, कोई फेसबुक स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे? स्टेटस तो टिकटॉक्स बनी है यहाँ पे आके, आप यकीन करें ट्रक यहाँ से लदा है, बच्चे भागते आए हैं, टिकटॉक बनानी है, टिकटॉक बनाए, पूरे बैरिया में मशहूर हो गए, 2.5 मन बकरे हमारे ये देखें। नहीं तो आपको लगता है कि जो है वो स्टेटस अगर आप ना लगाते तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं थी होनी? ये अब
कुर्बानी तो अल्लाह के नाम की होती है, खा लेकिन शौकत खानम के नाम पे नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम वीर जी, की हाल ने? अल्लाह का शुक्र, तू भी सुना? ठीक ठाक। मैं भी ठीक ठाक। बेड़ा तोड़ा है? नहीं नहीं, बेड़ा नहीं है, बिल्लो रानी है। की हो गया? अच्छा जी। हां जी, बिल्लो रानी साडी पूरे 3 लाख रुपए दी। पूरे 3 लाख? 3 लाख रुपए दी? कितों लेके आए हो? ए बाबा जी, असी लेके आए कसूर तो, जंगलों के बिच। बाबा जी इनू उत्थे पट्ठे खुआए ने, इनू कमादा के बिच टोरिया, इनू नवाया, इनू खालिया का कोई पानी कोई खाला नहीं छड़िया जिथे इन्हें नवाया है। माशाल्लाह जान जान बनी है दी। अच्छा, प्यार मोहब्बत बाबा सेट हो गया? हाँ, बहुत बहुत प्यार है कुर्बान करने करता, लेकिन तुम पता फिर भुख अपनी जगह होंगी। अच्छा, पाए मैंने दो मुंडे कहते पाए दे दी। मैं हूँ बंदा पूछे ई झड़ी इन्ने दिन पे, मैं बंदा पूछे बेड़ा इटा दे खिलार दा। मैं पाए तुम लग जाएंगे लेकिन मैं पैसे लाँगा वे। कहते चलो ठीक है। पाए बेचने? इसके नहीं बेचने देने, लेकिन आप घरों चुप करके उन्होंने बेच देने, पाए लादा बेच देने। हाँ, दो बेचने, दो आप खाने ने। अच्छा, दो बेचने, दो तुसी लेने ने, तानू फ्री। अच्छा चले, वो तो फिर मैं इसके बाद आपको बता दूं। मुझे ये बताएं, इसके आपने स्टेटस लगाया अभी तक फेसबुक पे? स्टेटस थे बाबा ये वान दूर दूर और टिकटॉक का बनान आई है। अच्छा, इसने टिकटॉक बनाए? इन्हें एक मुंडन लात मारी थे, टिकटॉक बन गई। और देखी नहीं तुसी टिकटॉक तो बड़ी वीडियो मशहूर चल रही है। अच्छा, वो इसकी है? वो ये दी है, बिल्लो रानी दी है। ये कुर्बानी के लिए लाए ना? नहीं नहीं, कुर्बानी के लिए लाए हैं। वो स्टेटस लगाए बगैर कुर्बानी नहीं होती? हो तो जाती है, लेकिन बंदे ने कोई शौकी शूकी भी मारनी होती ना, बैड़ा आया पैर ऐसी तैसी किसी दी। अच्छा जी, हाँ जी, दुनिया को पता चलना, दुनिया को पता लगना चाहिए अभी बिल्लो रानी आई है। अच्छा, तो स्टेटस आपको लगाने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था एफिशिएंसी। बाबा जी कोई कह रहा है जी असी फलाने का बकरा लैके आए, फलाना ऊंट लैके आए, तो असी ना दसिए असी वैड़ा लैके आए हैं भाई, दुनिया को दिखाना, दुनिया को दिखाना, उसके बगैर तो कुर्बानी नहीं, उसके बगैर कुर्बानी नहीं है। अजकल तो दौर ही यहोजा की करिए, हुण वेखो ना इनू कमादा लैके जाइए, इहदियां वीडियो बनाई दियां ने, इहदियां वीडियो इन्नियां पईआं ने, लेकिन हुण इहनू कुरबान करन नूं दिल ते नहीं करदा। लेकिन आपां इहदा हुण इंशाल्लाह इहदे अच्छे वाले भुन के गोश्त बाबा जी इहदा पका खाणा आपां इंशाल्लाह।